नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में पाटलिपुत्र सीट की, कि पाटलिपुत्र से 2019 में कौन बनेगा सांसद। पटना के पुराने नाम से मशहूर पाटलिपुत्र में कई राजवंशों के बीच सियासी लड़ाइयाँ हुई और पाटलिपुत्र कई राजनीतिक बदलाव का गवाह बना। मगर पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से बिहार की सियासत का केंद्र बनने को तैयार है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि लोकसभा सीट के तौर पर पाटलिपुत्र का उदय 2008 के परिसीमन के दौरान हुआ था। इससे पहले तक पटना शहर में मात्र एक ही लोकसभा सीट हुआ करती थी, जिसका नाम है पटना साहिब। यानी अब पटना शहर में दो लोकसभा सीटें हैं, एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्र बना। साल 2009 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुए। पाटलिपुत्र के पहली चुनावी अखाड़े में एक ओर जहां राजद नेता लालू प्रसाद यादव थे, वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के नेता रंजन प्रसाद यादव थे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर हुए पहले मुकाबले में ही बड़ा उलटफेर हो गया और जदयू के रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव को करीब 23,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव में हराया। अब बारी थी साल 2014 की। इस बार राजद से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से उतारा। वहीं राम कृपाल यादव लालू यादव के इस फैसले से नाराज हुए। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और बागी तेवर अपनाया। पाटलिपुत्र से टिकट न मिलने से नाराज राम कृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थामा और 2014 के लोकसभा चुनाव में ही अपनी भतीजी और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को हरा दिया। लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ने वाले राम कृपाल यादव ने मीसा भारती को करीब 40,000 वोट से हरा दिया। तीसरे स्थान पर जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव रहे, जिन्हें 97,228 वोट मिले। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत दानापुर, मनेर, फुलवारी जो कि सुरक्षित है, मसौरी वो भी सुरक्षित है, पालीगंज और विक्रम विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब 2019 के चुनाव में यहाँ से कौन बनेगा सांसद, ये देखने वाली बात है। पाटलिपुत्र बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण सीटों में गिना जाता है और मीसा भारती और राम कृपाल दोनों ही एनडीए और महागठबंधन के तौर पर फिर से आमने सामने हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कौन 2019 में यहाँ से चुनाव जीतकर निकलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।